मेरा सबसे बेस्ट जो साइड ही है वो प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप अच्छे से लगाओगे okay. और आप स्ट्रेटजी जो है मेन सिंगल जो सोच के अलग अप्रोच ये होता है कि हिंदी मीडियम के कम्युनिटी में एंसर राइटिंग का एक फोबिया है ठीक है। वो एंसर राइटिंग क्या करते हैं कि कोचिंग से स्टार्टिंग से पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे जैसे सीसेट का ट्रेंड बना, इंग्लिश थोड़ा हार्ड वगैरह पूछ रहा है, मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड का लेवल बढ़ा रहा है। आजकल यूपीएससी में क्या है, आपको फैक्ट्स के साथ जस्टिफाई करना पड़ेगा, एग्जांपल्स आपको मेंशन करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ओके, मैं भी ठीक हूँ सर। तो सर आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? इंटरव्यू मेरा ठीक ठाक गया, जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा कम गया। ओके ओके, थोड़ा नर्वसनेस एंग्जाइटी वगैरह था बट। ओके तो सर हम अगर बात करें, सबसे पहले आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है वो जरा बता दीजिए। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने बीए कर रखा है और मैंने अपने क्लास 12th और 11th 10th स्टडीज अपने ग्रेजुएशन अपने रीजनल कॉलेज से की है। ओके एंड सो सर, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था हिंदी मीडियम का। ओके और मेरा ऑप्शन। तो सर सबसे पहले तो हिंदी मीडियम और फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरव्यू तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है सर, तो ओवरऑल इंटरव्यू डेप बेस्ड था या करंट बेस्ड या फिर आपके ऑप्शन? जैसे मेरा इंटरव्यू मोस्ट ऑफ मेरे डेप बेस्ड ओरिएंटेड था बट करंट अफेयर्स के काफी सारे एस्पेक्ट पूछे गए। okay. जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पर पूछा गया, रिसेंट में हम काफी सारे डिफेंस सेक्टर में जो कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या रोल है, मतलब जॉबलेस ग्रोथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है। okay. और मतलब पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन था कि यूपी में जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का थोड़ा डोमिनेंस ज़्यादा है, उस कंटेक्स में इंडिया का कंटेक्स क्या होना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी क्वेश्चन था, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है उत्तराखंड से रिलेटेड, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछे गए जो मैं आंसर कर पाया मैं तैयार। ओके एंड सर हम बात करें अगर प्रिलिम्स की, आपका बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी थी, क्या अप्रोच थी आपकी जिससे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और आप इंटरव्यू तक पहुंचे? देखिए मेरा सबसे बेस्ट जो साइड ही है वो प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप अच्छे से लगाओगे ओके और आप स्ट्रेटजी जो है मेन सिंगल जो सोर्सेज है आप सिंगल सोर्सेज रखोगे, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है और जो मेजर सोर्स आर्य शर्मा, सतीश चंद्रा, अगर आप उसको अच्छे से कवर करते हो रेफरेंस ऑफ पी वाई क्यू तो आप डेफिनेटली आप और उससे अच्छा परफॉर्मेंस करोगे इंटर एग्जामिनेशन का। सर इस सब के अलावा स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा जो आपने अभी मेंशन करी हैं, इसके अलावा और वैल्यू एडिशन के लिए आपने क्या? वैल्यू एडिशन करने के लिए देखिए फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी बोलते हैं तो मैपिंग ह्यूमन ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे हैं तो उसके लिए मैंने थोड़ा PMFIS वगैरह के डॉक्यूमेंटेशन रेफर किए थे जिससे मेरा काफी कुछ अच्छे से ज्योग्राफी क्लियर हो गया। लेट्स से टॉक अबाउट एनवायरमेंट में मेरा जो मेजर स्कोप था वो था करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंसी करना, तो करंट अफेयर्स में जैसे PT360 विजन लॉन्च करती है तो मैंने उसको रेफरेंस दिया था और काफ़ी अच्छे अच्छे सोर्सेस PMFIS है एंड दृष्टि का क्विक बुक है, वहाँ से मैंने अपने बेसिक्स किया था तो ये मेरा मतलब वैल्यूडिशन था। और मैंने कुछ कुछ लेवल अप आईएएस के करंट अफेयर्स के कोर्सेज आते हैं तो करोल बाग में जैसे PDF वगैरह मिल जाते हैं तो मैंने प्रिंट करा कर उसको मैंने एज अ रेफर किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सर इस सब के अलावा आपको क्या लगता है, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो रेशियो है वो बहुत कम है, तो आपको क्या लगता है कि आपने हिंदी मीडियम के जो बाकी के स्टूडेंट हैं उनके उनके कंपैरिजन आपने कुछ अलग अप्रोच जो अपनाई है, क्या लगता है आपको? आपने मतलब जो अलग आपने किया है वो क्या किया अलग? देखिए अलग अप्रोच ये होता है कि हिंदी मीडियम के कम्युनिटी में एंसर राइटिंग का एक फोबिया है ठीक है। वो एंसर राइटिंग क्या करते हैं कि कोचिंग से स्टार्टिंग से पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं और पैराग्राफ फॉर्मेट में जब वो लिखते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साइबर सिक्योरिटी का लिखना है तो साइबर सिक्योरिटी का इंडिया में रैंकिंग क्या है, हिंदी मीडियम क्या करेगा वो डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी क्या है उसको डिफाइन कर देगा, बट मुझे नहीं लगता कि आप UPSC ऐसे लेवल पे टच कर रहा है, तो मुझे ज़्यादा लगता है कि आपको क्रिएटिविटी आंसर लेनी वाली होगी, आपको डेटा फैक्ट्स कमिटी के स्टडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का थोड़ा यूज करना पड़ेगा। जैसे कुछ कुछ एक काफ़ी सारा अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे को MK यादव साहब ने बताया था कि आप इंट्रोडक्शन लिखते हो वहाँ पे एक क्लोज बॉक्स बना दो और वहाँ पे आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फीड दो, जैसे मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी का एग्जांपल बताया तो मैंने वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के टाइप फिट कर दिया था, तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छे से उसका बेनिफिट मिला। मैं इंग्लिश मीडियम की जो कॉपीज है और जो टीचर्स है उनसे मैंने आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छे से सीखा, उसको अप्लाई किया फंडामेंटल तौर पर, तो मुझे उसका बेनिफिट मिला। ओके एंड सर हम बात करें अगर CSET की, क्योंकि CSET हर साल बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, कई जो परसेप्शन है कि ये बनी हुई है कि ये जो CSET है हिंदी मीडियम के अगेंस्ट जाता है, तो आपने
क्या अप्रोच फॉलो करी थी? देखिए, क्लास 2011-12 से सीसेट का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ जी। पहले हिंदी मीडियम के क्या था, 45% हिंदी मीडियम सिलेक्शन होते थे, 50% इंग्लिश मीडियम सिलेक्शन होते थे, रेशियो इक्वल था, राइट, ठीक है। पर जैसे जैसे सीसेट का ट्रेंड बना, इंग्लिश थोड़ा हार्ड वगैरह पूछ रहा है, मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड का लेवल बढ़ा रहा है, तो उस कंटेक्स में हमें मतलब कह सकते हैं कि सीसेट का लेवल थोड़ा चेंज हो रहा है। बट दौर को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए, अब ये कि आप बस कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग पर डिपेंडेंसी रखें, मैथ का एप्टीट्यूड आप स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक्स जो पॉइंट है आपको कम से कम आना चाहिए, क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट आपको बेसिक एप्टीट्यूड तो आनी चाहिए ना, क्योंकि आप एज अ इंडर रेवेन्यू सर्विस है, आईडीएस है, ऐसी पोस्ट के लिए आपका एप्टीट्यूड ठीक होगा, तभी तो आप बेटर जजमेंट कर पाओगे अपने पोस्ट सर्विस के साथ। एक्चुअली तो सर, आपने क्या रिसोर्सेज कोई मेंशन करना चाहेंगे सीजन के लिए? मैंने कुछ करियर विद की क्लासेस ली थी, जिससे मेरा काफी कुछ अच्छा हो गया था, और उसके बाद मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द पीओएक्यू प्रैक्टिस किया और मॉक्स लगाया, उससे मेरा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट था। ओके। और कहीं से मेरे 500 पेज की वो मिल गया था कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस का, मतलब उसमें कॉम्बाइन काफी सारे कॉम्प्रिहेंशन थे एज अ प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल टाइप, तो मैंने उसको प्रैक्टिस किया, तो मेरी थोड़ा गेसिंग वगैरह सही हो गई, तो उसके थ्रू मुझे बेनिफिट। सर, आप जैसा बता रहे हैं उसके उससे मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी इनोवेटिव मेथड अपने जो फॉलो करा है, तो कुछ हमारे जो ऑडियंस हैं, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, उनको बताना चाहेंगे आपने क्या इनोवेटिव तरीके अपनाए? ये है, सबसे फर्स्ट लेवल तो ये है, एंसर राइटिंग लेवल। एंसर राइटिंग लेवल पे आपको कंटेंट पर फोकस करना चाहिए। आजकल यूपीएससी में क्या है, आपको फैक्ट्स के साथ जस्टिफाई करना पड़ेगा, एग्जांपल्स आपको मेंशन करेंगे। जैसे आप ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट उठा लो, वहाँ पे वाटर क्राइसिस का क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार मेन पे फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है कि क्लाइमेट चेंज से फूड सिक्योरिटी अफेक्ट हो रहा है। अगर आपके पास एफएओ का रिपोर्ट है, अगर आपके पास थोड़ा डेटा है, तो आप ग्राफ वहाँ पे बनाओ, वहाँ पे कंक्लूजन करो। इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आया था, फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, तो इंडिया मतलब आप फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ ग्रो कर रहा है, तो हमें भी अपनी एंसर राइटिंग की जो वेज हमारी टेक्निक्स है वो फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी करनी चाहिए। okay. मतलब जिससे हमारा इनोवेटिव बढ़े, और इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग 75 और अच्छे डेटा जो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स हैं उनको मेंशन करना चाहिए, जिससे हमारे इनोवेशन आएगा। सर, आपने चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह इन सब का, एआई वगैरह इन सब का आपने यूज किया? मैंने चैट जीपीटी का कुछ यूज किया था एज अ मॉडल आंसर सर्च करने का, मतलब अगर मुझे कहीं कंटेंट नहीं मिलता था तो मैं चैट जीपीटी इग्नोर में टाइप कर देता था लैपटॉप में, और मुझे उससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंटेंट, फैक्ट्स वगैरह मुझे मिल जाता। तो क्या लगता है आज के टाइम में, फिलहाल जो आप सिनेरियो आज का टाइम चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो क्या चैट जीपीटी फायदेमंद हो सकता है? देखिए, चैट जीपीटी का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप उसको पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो तो काफी बेनिफिट हो सकता है। okay. जैसे आप कंटेंट प्रिपरेशन करने के लिए यूज करते हो, आजकल एक फोबिया है कि दिल्ली आकर कोचिंग करना इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप चैट जीपीटी को देखो तो काफी अच्छे अच्छे कंटेंट है जो आप अपने नोट्स वगैरह में यूज करके अपने बियॉन्ड प्रिपरेशन एक्सेस कर सकते हो, बट अगर आप उसका मिसयूज देखो तो आपको काफी सारे डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया के थ्रू वगैरह मिल सकते हैं, तो आप समझो कि सोशल मीडिया का एज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं वही क्वेश्चन पे आने वाला था कि क्या कोचिंग जरूरी है? आपने कहीं से कोचिंग ली थी? जी, मैंने मतलब ली थी, बट मैं नाम मेरी भी जाना था। ओके। इज अ पर्सनल, बट कोचिंग का एक स्कोप जो होता है वो ये होता है, मतलब प्रिपरेशन मेंटेन करना चाहिए, अपनी डायरेक्शन लेस प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, और मतलब काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और आपको मतलब गाइडेंस के तौर पर एज अ मेंटर, एज अ कैंडिडेट खुद से प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट होती है। तो आपका कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला है तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है? नहीं। अच्छा, बिना कोचिंग के भी? देखिए, कोचिंग इंडस्ट्रीज बहुत है, हमें मतलब ये चूज करना चाहिए कि मतलब कौन सा कोचिंग इंडस्ट्री हमारे लिए परफेक्ट है ना। ओके ओके, तो ये मैटर करता है। ओके, एंड सर, लास्ट में सर ये सवाल कि जो 2024 में, जो 25 में, 26 में जो एग्जाम में प्रीलिम्स में बैठने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम पीरियड में? देखिए, मेरा जो सजेशन है वो यही है ना कि मतलब अगर आप 1 ईयर के अच्छे से स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, पीवाईक्यू रिफर करते हो, सोर्स से रिफर करते हो, तो आप डेफिनेटली आप बेस्ट हो गए। तो मेरा एक ही सजेशन है पीवाईक्यू। ओके ओके, सर लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा? मार्केट में बहुत सारी रिसोर्सेज है, आप बेसिक चीज़ों पर रिलाई करो, स्टैंडर्ड बुक्स, पीवाईक्यू पर रिव्यू करो, यूपीएससी ने आपको सिलेबस दे रखा है उस पर रिव्यू करो, और बस यही कि आप अपना बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर।